जस्ट अभी सुबह बाहर निकला, पूरी रात भर मेरे को सांस नहीं आई, सर में दर्द रहा ऑक्सीजन की वजह से। अभी बाहर निकल के थोड़ी सांस लिया, थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत दर्द होता है, ऑक्सीजन नहीं मिले तो रात को ठीक से, क्योंकि एक रूम था उसमें हम 7 लोग थे और बंद था वो। रात को स्नोफॉल भी हुआ था, पता ही नहीं लगा हमें तो। कोई विलेज मतलब छोटी है, कुछ ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है, छोटा सा ही है अपना स्पॉट व्हीकल, और काफी रिमोट एरिया है। ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है, 4400 मीटर्स पे अभी हम फिलहाल, अप्रोक्सीमेटली कोई 16,000 फीट। गाड़ी की भी साउंड चेंज हो गई है, इतनी ठंडा है, डीजल इंजन है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ अपने अभी लेट ओवर पे, मेरा चौथा दिन है। अभी मैं हूँ सुंदो विलेज में और जा रहा हूँ सोमररी लेक। सोमररी लेक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और रोड 50 की ही 50 खराब है। कितना क्यूट बच्चा है, कैसे भेड़ है यहाँ की, पूरा ऑफ रोड है यार। मेरा तो प्लान आज का कुछ ऐसा था कि गाड़ी में डालूंगा, जब तक सर दर्द ठीक नहीं होगी तब तक गाड़ी में बैठा रहूंगा, बट अब सोचा इतनी अच्छी जगह क्या ही गाड़ी में डालनी। बस 7-8 किलोमीटर राइड की और स्नोफॉल होने लगा है, हवा बहुत तेज चल रही है, और क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी है बस, गाड़ी में डालनी पड़ेगी। इन सब के पास तो है, ऊपर तो है मेरे पास, बट ऊपर से काम नहीं चलेगा, नीचे शूज भी है और फिर लेग्स भी। इतनी ठंड में अगर मैं बीमार होता हूँ तो हॉस्पिटल भी कोई नहीं है आसपास। दूसरी बात कि हेल्थ पहले है भाई, ट्रिप्स तो होती रहेगी जिंदा रहेंगे तो, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है तो सच्चा बर्फ़ पड़ रही है, सामने से दिख नहीं रही होगी। गाड़ी में ना बहुत हो जाता है थोड़ा, उसमें स्लो चलना पड़ता है ना उनको सारे राइडर्स के साथ। यहाँ बैठा हूँ छुपके, उधर तो बर्फ़ और हवा चल रही है, लाइट चार्ज है। बारिश तो है नहीं, अब तो बर्फ है, डाल दिया साइकिल अभी इसमें, कर दो भाई बैक, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। मैं ये देखो कितनी तेज बर्फ पड़ रही है, ऐसे मनाली में पड़ती है जब दिसंबर जनवरी फरवरी है ना भैया, उनके पास तो सबके पास है, मेरा मैं भूल गया तो मेरे को, चलो कोई नहीं, हेल्थ पहले है यार, बाई चांस कुछ भी होता है भगवान ना करे तो हॉस्पिटल मनाली पहुंचाना पड़ेगा। मैं मनाली ले है ना, पास ये दो है अच्छे हॉस्पिटल, ले से बेटर मनाली को ले जाना है, क्योंकि वो चंडीगढ़ वगैरह मंडीगढ़ पहुंचा देते हैं, आगे सही रहता है। बिल्कुल, ये देखना स्पीड, देखो बर्फ की आप, अभी हमने लिया शॉर्टकट, वो साइक्लिस्ट अपने उधर से जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ऑफ रोड। और भाई फोर गाड़ी से ऑफ रोड नहीं किया तो क्या फायदा। शायद इसके बाद भी एक और शॉर्टकट होगा, क्या बोलते हैं? लद्दाख की भेड़ बकरी बिल्कुल अलग है, थोड़े मोटे होते हैं और उनके बाल भी अलग से ही है ना, मोटे नहीं कद इनके छोटे होते हैं, कद छोटा है बाल मोटे हैं। ये देख लो, हाँ ये छोटे जैसे को दिखा दो, हाँ ये जा रहा में सो कौन से लेक है, भूल गया मैं नाम, काइगर लेक शायद, काइगर लेक। अभी कितनी ज्यादा अभी पड़ने लगी है, पूरा वाइट हो गया है आगे तो, बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, हम गाड़ी से भी उसके मजे लेंगे। ये है वो लेक,
अब इसके बाद इससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी लेक आने वाली है, जो सोमोरेड लेक है, जो हमारी डेस्टिनेशन है। बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी, ग्रीन एकदम, पानी एकदम, और इतने बड़े बड़े। सारे मजे लेने चाहिए। एकदम खुला मैदान, कोल्ड डेजर्ट। तो वो है सोमोरेड लेक वहाँ, और ये जो है ना रिवर है, कोई शायद रिफ्रोजन है, कोल्ड डेजर्ट में, और ऊपर से दोबारा स्नोफॉल का मौसम हो गया है। स्नोफॉल होती है, पिघल जाती है, होती है और पिघल जाती है, और इधर उधर से आए अभी हम। अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया है, अभी हमें लेक दिख रही थी, तो अभी हवा भी इतनी तेज चली हुई है कि गाड़ी भी हिल रही है हमारी अपने आप ही। क्या शूट भी नहीं करने देगी यार ये बारिश तो। एक दो ब्रांड के शूट था, देखते हैं क्या होता है, मौसम खुलेगा तो ये होगा, नहीं तो अभी क्या करूँ। अभी हमारे दो साइकिलिस्ट पीछे फंस गए हैं, किसी ने हमें इन्फॉर्म किया, तो अभी उनको लेने जा रहे हैं। वो बोल रहे थे वो पीछे फंसे हुए हैं क्योंकि विंड बहुत तेज है। अभी तो थोड़ा मौसम खुला है बट अभी बहुत तेज विंड चल रही थी। ये देखो सपोर्ट व्हीकल इसलिए ज़रूरी है, उनकी हालत देखो क्या हो गई बेचारों की। हाँ भाई जिंदा हो, ये तो यहाँ बैठे हुए थे, इसके शेल्टर बनाए इसके साथ में बिल्कुल, ये तो इनकी तो पता नहीं क्या ही हालत होती है। कह रहे साइकिल उठ रही थी हमारी बहुत तेज में, गाड़ी पूरी ऐसे ऐसे हिल रही थी। फाइनली सोमोरेड लेक पहुंच गए हैं, बैक साइड है, साइकिल्स अनलोड करनी है बस, अभी शूट करना है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट पांग या सरचू वाली साइड, क्योंकि हाँ यहाँ का मौसम बहुत अलग सा ही है, कुछ अभी कैसा है बाद में कैसा होता है कुछ नहीं पता लगता। क्या नाम है, क्या नाम है, से उतर लो हम जा रहे हैं, उतर लो निकल रही गाड़ी। क्या नाम है, जिमेट लोटस। अच्छा नाइस नेम, कॉम्प्लेक्स है, जिमेट लोटस नाइस, कुछ और तो नहीं बोल रहे ना। तो भाई ये ट्रिप अभी होने वाली है खत्म सोमरेड में, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट पांग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है ऐसे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और ऊपर से मौसम का कुछ नहीं पता लगता, ऑफ रोड है, तो हम सोच रहे हैं क्योंकि हम मंडी तक जाने के लिए, हमें घर तक जाने के लिए 800-900 किलोमीटर होगा, तो थोड़ा डिस्टेंस आज 170-180 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, फिर कल हमें थोड़ा इजी होगा निकलना, क्योंकि तीन पास आते हैं रास्ते में, लाचुंगला, नुकीला और बारलाचला, वो भी तो काफ़ी टफ है, स्नोफॉल भी है काफ़ी ऊपर जी जो हुई है, तो ऊपर स्नो है। अपनी ले सीरीज इतनी थी, आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और 1K सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं, तो प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर कराओ, और उसके बाद भी हम नई ट्रिप्स पे निकलने वाले हैं, प्लान है रिलेटेड टू लेक्स है, वो भी कश्मीर में है वो प्लान, तो 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो उसके बाद प्लान करते हैं उसका भी। और हाँ
मैं अपनी ट्रिप को एक्सप्लेन करना चाहूँ ना कि कुछ शब्दों में कि कैसी थी। तो लेह लद्दाख बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। दूसरी बात, सुंदर तो है बट आपको सांस नहीं आएगी इधर, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको। तो उसके लिए आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए एक या दो दिन लगाना पड़ेगा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे बाय चांस आपको दिक्कत होती है तो, क्योंकि परमानेंट यहाँ क्या है, आप हाई ऑल्टीट्यूड में आपको सर दर्द रहेगी ही रहेगी। और आप जब सोगे ना रात को तो सांस में थोड़ी दिक्कत होती है, और सर में पूरा सर जो इतना है ना, पूरा ऐसा हो जाता है कि मतलब कितनी ऑक्सीजन की कमी है, बहुत दर्द होता है। मतलब ऐसे भी करते हैं तो पूरा सर हिलता है, अभी मेरे को हो रहा है दोबारा ऐसे।